देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कौन से चैप्टर के बारे में, अल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो वापस एक बार फास्ट रिवीजन करवाता हूँ अल्केन्स का। तो अल्केन्स के फास्ट रिवीजन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए, इसकी डेफिनेशन जो होती है, इसके डेफिनेशन का पैटर्न अलग होता है एज कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर्स वगैरह वगैरह, राइट। क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्म में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या होती है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन की, तो अल्केन का कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको क्लासिफाई करना चाहोगे तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, स्ट्रेट चेन और दूसरा कौन सा होता है, ब्रांच चेन। बराबर है, स्ट्रेट चेन में सारे के सारे कार्बन आइटम कैसे रहेंगे, स्ट्रेट चेन में रहेंगे विदाउट एनी ब्रांच, ओके। जबकि ब्रांच चेन में ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे। देन अगर हम इसकी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि वैसे इसका कोई कॉमन नेम सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड होता है CH4 जिसका नाम क्या होता है, मार्श गैस होता है, बाकी सबका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। और IUPAC नेम इसका कैसे लिखा जाता है, अल्केन ही लिखा जाता है। क्लियर है, डन। उसके बाद में अगर हमने बात की आइसोमराइजेशन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी कि अल्केन कौन सा आइसोमराइजेशन शो करता है, तो अल्केन सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमराइजेशन शो करता है और वो होता है चेन आइसोमराइजेशन। कौन सा आइसोमराइजेशन, चेन आइसोमराइजेशन। इसके अलावा अल्केन कोई भी आइसोमराइजेशन शो नहीं करता है। जैसे चेन आइसोमराइजेशन में अगर कंसिडर करूं, मैंने ये अल्केन निकाल लिया, ठीक है, ये अल्केन का नाम क्या बताइए फटाक से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्केन, एन ब्यूटेन, या फिर सिंपली इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, राइट। तो इसमें आपको देख रहे हैं कितने कार्बन है, कैसे चेन में क्या होता है, स्ट्रेट चेन को किसमें कन्वर्ट करना होता है, ब्रांच में, मतलब चार कार्बन है, तो चार में से अभी कितने कार्बन निकालेंगे स्ट्रेट चेन में, तीन, 1 2 3, और जो चौथा कार्बन है उसको हम कहाँ अटैच करेंगे, अगर मैंने यहाँ अटैच किया तो ये ब्रांच बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर मैंने यहाँ अटैच किया तो बनेगा, और अगर मैंने यहाँ अटैच किया तो नहीं बनेगा, मतलब ब्रांच चेन अल्केन में एक ही आएगा जिसका नाम क्या होगा, अभी इसका व्हाट विल बी द नेम, कॉमन नेम अगर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन, और IUPAC लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, 2-methyl propane। बराबर है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आइसोमराइजेशन शो करता है आप लोग का अल्केन्स। अब इसके बाद में जो हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने कुछ कुछ तो मेथड देख लिए थे, अब हम बाकी देख लेते हैं। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब ध्यान दीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैंने कौन कौन से मेथड्स दिए थे, बहुत सारे मेथड्स मैंने दिए थे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला कौन सा था, दैट इज फ्रॉम अल्किन, ओके, ठीक है। सेकंड था फ्रॉम अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। अब अल्किन से जो था कौन सा था भाई, सैंडरस सैबेटियर रिडक्शन रिएक्शन, सैबेटियर सैंडरसन रिडक्शन रिएक्शन से हुआ था, बराबर है। जबकि अल्काइन में हम लोगों ने देखे दो मेथड थे, जिसमें से पहला यही मेथड था, बराबर है, और दूसरा कौन सा था, दैट इज बाई रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये था, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था हमारा, कौन सा था, दैट इज फ्रॉम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ओके, हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना, अभी तो मेरा क्लास है, मैं क्लास में हूँ अभी, अच्छा कोई नहीं, मैं क्लास होने के बाद कॉल करता हूँ आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पर्टिकुलरली था, दैट वाज फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, बराबर है। तो अल्काइल हैलाइड में मैंने एक ही रिएक्शन लिख कर दिया था, कौन सा था, दैट इज बाय रिडक्शन, बराबर है, डन। लेकिन इसमें एक और मेथड होता है, दैट इज बाय वुड्स रिएक्शन, ये भी डाल दो, बाय वुड्स रिएक्शन। हालांकि ये मैं अलग ढंग से बताने वाला था, बट चलो अभी मैंने NCERT देखा तो लगा मुझे यही पर एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट कौन सा था, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल से बनता है, राइट, कैसे बन रहा था, वही रिडक्शन, ओके। देन नेक्स्ट बन रहा था हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड से कौन कौन से मेथड थे, याद है, कितने, तीन मेथड थे, कौन से, पहला था दैट इज बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, देन नेक्स्ट कौन सा था, वुल्फ किशनर रिडक्शन, एंड देन कौन सा था, दैट इज रिडक्शन विथ HIN रेड फॉस्फरस, बराबर है, रिडक्शन विथ
रेड फॉस्फरस प्लस एच आर एन राइट। तो ये थी, देन नेक्स्ट था हमारा दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी काफी सारे मेथड होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन कौन से मेथड थे, एक ही था, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी होता है, देन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होता है, मतलब तीन मेथड आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। देखिए हर किताब में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी मैं सबसे इकट्ठे बता रहा हूँ, तो चलो फटाफट से हम करते हैं। सबसे पहला अल्किन, तो अल्किन में क्या था, हमने रिडक्शन किया था, जनरल रिएक्शन याद है उसका क्या था, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ एन आई पी टी और पी बी एट 523 टू 573 केल्विन। तो ये क्या दे रहा था आप लोग को, R CH2 CH2 R, बराबर है। अल्काइल R ग्रुप की वैल्यूज पता है ना, यहाँ R ग्रुप की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, H से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप लोग के जनरल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है तो आप R की वैल्यू ऐसे ले सकती है, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ, अगर मुझे इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, ये वाला जनरल स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में, तो बताओ क्या लूंगा मैं आर की वैल्यू, यहाँ दो आर है, एक को आर बोलता हूं और एक को आर डैश बोलता हूं, तो बताओ आर की वैल्यू क्या लूंगा, आर डैश की वैल्यू क्या लूंगा, अगर मुझे क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, बताइए। आर की वैल्यू एच ले लू, ओके, देन आर डैश की वैल्यू CH3 ले, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन। चलो अगर मुझे बताओ कि मुझे अगर ब्यूटीन बनाना है तो मैं क्या लूंगा R की वैल्यू और R डैश की वैल्यू, ब्यूटीन ना, R की वैल्यू H ही लूंगा, वेरी गुड, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और R डैश की वैल्यू क्या लूंगा, CH3 ले लूंगा, वेरी गुड, ठीक है, डन। तो इस तरह से मेरा क्या बना, ब्यूटीन। अबे ये ब्यूटीन बना है, ब्यूटीन बना, हाँ राइट, एक आर की वैल्यू एच लेंगे, मतलब CH2 देन CH देन डबल बॉन्ड CH फिर, अच्छा ओके, आर की वैल्यू क्या बोला था आपने, एच बोला था, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा CH2 राइट, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा CH, फिर आ जाएगा CH2 CH3, मतलब R की वैल्यू H और R डैश की वैल्यू CH2 CH3। अगर मुझे ब्यूटीन बनाना है, ब्यूटीन, तो एक R की वैल्यू CH3 और एक R डैश की वैल्यू CH3, दोनों R की वैल्यू CH3 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, पक्का नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर बना कर देखो, ठीक है, ध्यान में रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्ट्रक्चर बना कर देखो, आर की वैल्यू चेंज करके देखो, समझ में आ रहा है, जैसे दोनों आर की वैल्यू एच लेकर देखो कि देखो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, नाम लिखकर देखो। अब देखिए तुरंत दिमाग में नहीं जाएगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है आपको, तो ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए डिफिकल्ट जाएगा, और डू इट, ओके। मेरा सजेशन है कि करो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दो, पहले इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, समझे ना, बाद में एक बार ध्यान में आ गया ना फिर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं, बिलीव मी। देन सेकंड था हमारा अल्काइन वाला, तो अल्काइन वाला पहला मेथड वो था सैबेटियस एंडरसन रिएक्शन, वो ऐसा ही था, कैसा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश प्लस टू टाइम्स ऑफ एच टू इन प्रेजेंस ऑफ एन आई पी टी पी डी बराबर है एट 523 टू 573 केल्विन, बराबर है। तो क्या बन रहा था यहाँ पर, R CH2 CH2 R डैश, बराबर है, डन राइट। अब इसमें आप लोग को नाम ध्यान में रखना है, अल्काइन में नाम क्या होते हैं, जैसे इथाइन अगर मुझे बनाना है तो दोनों R की वैल्यू इथाइन, इथाइन बनाना है तो दोनों R की वैल्यू H लेना है, प्रोपाइन बनाना है तो एक R की वैल्यू H एक R की वैल्यू CH3, अगर मुझे ब्यूटाइन बनाना है तो एक आर की वैल्यू एच और आर डैश की वैल्यू CH2 CH3, अगर मुझे ब्यूट2YNE बनाना है तो दोनों आर की वैल्यू CH3, इस तरह से आप लोग को आर की वैल्यू रखनी पड़ेंगी, क्लियर है, डन। लेटर ऑन फिर हमने देखा था अल्काइन का रिएक्शन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, बराबर है। तो भाई अल्काइन, अल्काइन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर एम जी एक्स, क्या होता है, R एम जी एक्स, तो वापस एक बार R आ गया तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, R डबल डैश, बराबर है। फिर इसका हमने देखा था कि ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है,
ड्राई इथर के प्रेजेंस में होता है। और फिर यहाँ पर हमने देखा था कि क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, ये एक आर किसके साथ कनेक्ट हो रहा था, ये पता है ना कितने टाइम लेना था हम लोग को, टू टाइम्स, बराबर है। तो ये आर भी आर डैश, आर डबल डैश के कनेक्ट होगा और आर डैश भी आर डबल डैश के साथ कनेक्ट होगा। मतलब यहाँ हमारे दो अल्केन मिलेंगे, आर आर डबल डैश और आर डैश आर डबल डैश, और प्लस क्या मिल रहा था हम लोग को, एक्स एम जी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी एक्स, बराबर है। तो यहाँ हम लोग को दो अल्केन मिल रहे थे, बराबर है, कितने अल्केन मिल रहे थे, दो अल्केन, और उसके बेसिस पर फिर आपको कौन सा अल्केन बनाना था उसके हिसाब से आप वैल्यूज रखते थे। कंसीडर कीजिए कि मैंने अगर बोला होता कि भाई मुझे सिर्फ मीथेन बनाना है, क्या बनाना है, मीथेन, तो बताओ फिर क्या होता था, क्या रखते थे आप आर की वैल्यू, क्या रखते थे आर डैश की वैल्यू, और क्या रखते थे आर डबल डैश की वैल्यू, सिर्फ मीथेन बनाना है। मीथेन क्या है यहाँ पर, मीथेन क्या है, मतलब ये प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, राइट, मतलब ये वाले फॉर्मेट में आप फिक्स करो, ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको पता है आर डबल डैश की वैल्यू एच हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, मतलब वो तो क्या होगा हमेशा कम से कम सी एच थ्री, बराबर है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एच, और यहाँ पर भी सेम आर डबल डैश की वैल्यू सी एच थ्री रहेंगे तो आर डैश की वैल्यू भी एच, मतलब ध्यान में आ रहा है आप लोग को सीधा सीधा आर और आर डैश की वैल्यू क्या लेना है, एच लेना है, और आर डबल डैश की वैल्यू सी एच थ्री लेना है। अगर मैंने कहा होता है कि भाई मुझे इथेन बनाना है, इथेन क्या बनाना है, इथेन, तो बताओ इथेन कैसे बनाता था मैं, देखिए इथेन मतलब क्या होता है, सी एच थ्री, राइट, बराबर है, ऐसा भी बन सकता है, या फिर आप इसको सी टू एच फाइव एच ऐसा भी बना सकते हो, मीथेन ही है ना वो, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी टू एच सिक्स, अब सी टू एच सिक्स को आप सी एच थ्री लिख सकते हो या फिर सी टू एच फाइव एच लिख सकते हो, दोनों भी है, मतलब दो पॉसिबिलिटी होंगी, या दो पॉसिबिलिटी होंगी, पहली पॉसिबिलिटी क्या होंगी, पहली पॉसिबिलिटी ये होंगी कि भाई मैं दोनों की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, मतलब आर डबल डैश की वैल्यू सी एच थ्री ले लेता हूँ, तो वैसे केस में आप लोग को आर और आर डबल डैश आर और आर डैश दोनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, सी एच थ्री लेनी पड़ेगी, बराबर है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोला कि भाई इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो फिर आपको आर डबल डैश की वैल्यू सी टू एच फाइव लेना पड़ेगा, बराबर है, जबकि दोनों आर की वैल्यू क्या लेंगे, एच लेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हर एक चीज आप लोग के दिमाग में जानी चाहिए, क्लियर है, अरे क्लियर है, ओके गुड, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रॉम अल्काइन, देन नेक्स्ट हमारा कौन सा है अभी, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से यहाँ पर कितने रिएक्शंस बने हुए, दो टाइप से, पहला है बाई रिडक्शन, और ये रिडक्शन होता है किसके साथ में, बाई रेड फॉस्फरस प्लस एच आई, बराबर है, रेड फॉस्फरस प्लस एच आई के प्रेजेंस में ही ये क्या होता है आप लोगों का रिडक्शन होता है, या फिर इसका एक और तरीका होता है रिडक्शन से, ठीक है, कौन सा, जिंक इन एस सी एल, ठीक है, देन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसके लिए रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको यूज करना है, और रिड्यूसिंग रिएजेंट आप कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं इसके जनरल रिएक्शन के। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आर एक्स, बराबर है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे कर रहे हो, दो तरीके से, या तो आप रेड फॉस्फोरस प्लस एस सी एल ले लो, ठीक है, या फिर क्या ले लो, जिंक इन एस सी एल ले लो, जेड एन इन एस सी एल, या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस एस सी एल, क्लियर है, कोई भी ले सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, एक्स को हटाकर क्या आ जाएगा, एक्स को हटाकर क्या आ जाएगा, एच, तो क्या बनेगा, आर एच, और ये एक्स किसके साथ अटैच हो जाएगा, एच के साथ, तो क्या बनेगा, एच एक्स, क्लियर है, डन। तो जनरल रिएक्शन क्या बना, सिंपल हमारा, आर एक्स प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस एच सी एल और जिंक इन एच सी एल गिव्स, गिव्स एरो मतलब गिव्स, क्या दे रहा है, आर एच प्लस एच एक्स, बराबर है, डन। चलो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ आर एक्स का कॉमन नेम क्या होता है, सुबह देखा था क्या होता है आर एक्स का कॉमन नेम, अल्काइल हैलाइड, बराबर है, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, हेलो अल्केन, तो वो लिख लो पहले इसके नीचे, बराबर है। लेटर ऑन प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, आर एच, आर एच का मतलब क्या होता है, आर एच का मतलब अल्केन होता है, दैट्स इट, ओके। चलो अभी रिएक्शन करो, तो बताओ यहाँ आर की वैल्यू हम एच लेंगे, हाँ या ना, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे फिर, सी एस टी। तो चलो सी एस टी से स्टार्ट करो, पहला रिएक्शन बनाना फटाक से, बनाओ पहला रिएक्शन बनाओ। एक्स की वैल्यू आप जो चाहे वो ले लो, सिर्फ एफ छोड़कर, हाँ फ्लोराइड छोड़कर, एफ छोड़कर कुछ भी ले लो, सीएल ले लो, बीआर ले लो, आई ले लो, कुछ भी ले लो। फटाफट करो, जितने भी अल्काइल ग्रुप आप लोग को पता है आज दिए हुए, कितने दिए थे, आठ दिए थे। हाँ तो वो बाद में चार ऐड किए थे, वो चार को छोड़ दो, सिर्फ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप नहीं है। बाकी के चार, बाकी के चार जो मैंने दिए है वो अल्काइल ग्रुप नहीं है। वो कौन से ग्रुप है, विनाइल, एलाइल, फिनाइल और बेंजाइल, वो अलग ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप मतलब कितने, आठ दिए थे, कौन कौन से याद है ना, कौन से, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सारे करो, डू इट, सबके नाम, कॉमन नेम, सब रिएक्शन, सब करो करो, जितनी प्रैक्टिस करनी होती है पॉसिबल उतना करो, और फटाफट स्पीड बढ़ाओ अपना रिएक्शन बनाने का स्पीड। हाँ रिएजेंट है, दोनों भी रिड्यूसिंग रिएजेंट, या ये या ये, दोनों में से कोई भी लिखना है। हाँ हाँ वो रिड्यूसिंग रिएजेंट है। नावल, यहाँ नाव नाव, बिना नाम के रिएक्शंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने रिएक्शन सोने के बाद में आप लोगों के नाम नहीं लिखे कंपाउंड्स के, तो रिएक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके और नाम दोनों भी लिखो, कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी। नाव लीना, नाव लीला नहीं तर मत, कई अर्थ नहीं ना, बिना नाम लिखे। मिथाइल ए नहीं होत भाई, मिथाइल ए नहीं होत, मिथाइल होतेड बयाड़े लिखा चे, कुछ मतलब नहीं है। कॉमन नेम लिखो ना इसका, कॉमन नेम क्या होता है, हाँ वेरी गुड, तो लिखो कॉमन नेम लिखा, आईयूपीएसी क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा है दोनों भी नाम लिखना है, समझे। चलो एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, सिंपल वाला, पहला ही वाला। तो पहला वाला जैसे मैं लिख रहा हूँ सी एस थ्री बी आर प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस एच सी एल या फिर जिंक इन एच सी एल, ओके डन, इसमें से कोई भी यूज होता है डन। हाँ सो क्या प्रेजेंट आया, क्या ये सी एच फोर प्लस एच बी आर, सी एच फोर लिखा मैंने डायरेक्टली, पता है ना क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू सी एच थ्री और एच डाल दिया मतलब सी एच फोर, तो मैंने डायरेक्टली सी एच फोर लिख लिया। अब इसका नाम क्या होगा, कॉमन मिथाइल ब्रोमाइड, तो ऐसे कॉमन नेम लिखो मिथाइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी क्या होता है, ब्रोमो मिथेन, समझ में आ रहा है, तो दोनों नाम लिखने इसके, और इसका नाम क्या होता है मिथेन, तो इसका नाम सिर्फ मिथेन लिखो, क्लियर है। चलो वैसे ही करो, फटाफट फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सिर्फ आर की वैल्यू तो चेंज करना है आप लोग को, उसके लिए क्या इतना टेंशन। ए भाई इतना बी आर है कि एच बी आर है ना, इतना नावली ते तसल लिहायचं नाही, कॉमन नेम आयुपीएसी नेम सरळ सरळ नाव लिहायचे, ते लक्षात देते। जैसे लिखा हुआ है मैंने ठीक उसी तरह से लिखिए, ठीक है, ज्यादा अपना कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ तुझे, इतना रहता है तू, हाँ चलो मेक इट फास्ट, फटाफट फटाफट करो, आठ रिएक्शन होने चाहिए।
मूव जवानी आनी चाहिए फटाफट फटाफट, सी एस सी सी एस टू बी आर प्लस एच ए, पर प्लस कौन सा लिया था हम लोगों ने, सॉरी एस टू लेना है, वैसे पटापट पटापट मुंह में भी आनी चाहिए और हाथ से भी लिखना होना चाहिए हम लोग को। आर की वैल्यू तो प्लेस करना है आप लोग को, चलो लिखो, मैं सारे के सारे रिएक्शंस लिख रहा हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखो, समझे ना। अगर आप लोग कहीं अटक गए तो फिर टेक द हेल्प फ्रॉम द बोर्ड। हाँ तो पहला एग्जाम्पल होने के बाद सेकंड एग्जाम्पल है सी एस थ्री सी एस टू सी एल प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस प्लस एस सी एल और इन प्रेजेंस ऑफ जेड एन एन एस सी एल यूजल सी एस थ्री प्लस एस सी एल बना हो जाएगा इथाइल क्लोराइड मेरे हाथ दुख गए, मैं नहीं लिख रहा चलो जगह छोड़ दो, छोड़ो जगह छोड़ो, नेक्स्ट वाले रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, सारे के सारे रिएक्शंस खत्म करवा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। जगह छोड़ दो, समझे ना, राइट। और हर बार आपको उतनी जगह छोड़नी है, क्योंकि आज मैं सारे रिएक्शन बताऊंगा तो हर रिएक्शन के लिए हर आठ 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 एग्जाम्पल लिखने, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, आज रात ही खत्म करो सारे के सारे रिएक्शन। मैंने पहले ही कहा था ऑर्गेनिक रिएक्शन में हजारों रिएक्शन होते हैं, और उसमें से मैं हजारों नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कुछ 100 रिएक्शन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, समझे ना। तो प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, समझे ना। डन, आप लोग के पूरे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा था, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाई कौन सा रिएक्शन था, बाई वुड्स सिंथेसिस। ओके, तो ये मेथड है, ये आप लोगों को ये भी नाम याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नाम नहीं रहेगा तो फिर जनरल रिएक्शन नहीं याद नहीं होगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए वुड्स कपलिंग रिएक्शन, या इसको एक और नाम दिया जाता है वुड्स कपलिंग रिएक्शन, वुड्स कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और ये नाम वाली रिएक्शन है, और जैसे मैंने कहा कि नाम वाली जितनी भी रिएक्शन होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप लोगों के आर एक्स होते हैं, और ये रिएक्शन होता है विद द सोडियम मेटल, और ध्यान में रखना इसमें दो आर एक्स होते हैं, मतलब टू मॉलिक्यूल ऑफ आर एक्स, क्लियर है। और दोनों आर एक्स सेम होते हैं, क्लियर है। डन, मतलब आप इसको आर एक्स प्लस एन ए प्लस आर एक्स लिख सकते हो, या फिर टू टाइम्स ऑफ आर एक्स प्लस एन ए लिख सकते हो, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये जो रिएक्शन है सोडियम में होने की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर में ही होता है, क्योंकि ये मेटल है। ध्यान में रखना अगर कोई भी मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है तो वो ऑलवेज विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, जैसे आर एम जी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एम जी आया था मेटल आया था तो क्या था, ड्राई इथर वहां रहना ही रहना है, क्लियर है।
लेटर ऑन यहाँ पर क्या होगा, अभी सिंपल सी चीज है, ये दो आर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे अगे, और ये जो एक्स रहेगा ये एन ए के साथ कंबाइन होगा, इसलिए यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ एन ए लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, टू टाइम्स ऑफ एन ए एक्स बनेगा, क्लियर है। या फिर आप रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ आर एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एन ए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और ये क्या देगा आप लोग को, वही आर आर प्लस टू टाइम्स ऑफ एन ए एक्स, क्लियर है। बाकी कंपाउंड्स का कॉमन नेम पता ही है, क्या है कॉमन नेम, अल्काइल हैलाइड, ओके, और साथ में क्या नाम होगा इसका, हेलो अल्केन, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा, और एज इट इज ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अल्केन हो जाएगा, क्लियर है। देन रिएक्शन ले लेता हूं, चलो मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले लेता हूं डायरेक्टली, ओके, बाकी आप ले लो, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जल्दी से फॉर्मूला बताओ, CH3 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 CL, वेरी गुड, अच्छा फटाक से फॉर्मूला नाम लिया कि फॉर्मूला हाजिर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम लेना है, टू टाइम्स, और प्लस क्या लेना है, टू टाइम्स ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो R कनेक्ट किए, तो R की वैल्यू याद है ना, क्या थी R की वैल्यू बताओ, CH3 CH3 CH3, और ये भी R है, तो इस R की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको और इसको कैसे निकालेंगे, CH3 CH3 CH3, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो बताओ अभी इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम बताओ कंपाउंड का, चलो पहले इसका नाम बताओ, कॉमन नेम क्या है इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बराबर है, हाँ। आईयूपीएसी क्या होगा बताओ फटाक से, 2-chloro-2-methyl-propane, बराबर है, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। अब चलो उसका नाम बताओ फटाक से, नाम बोलो फटाक से, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, हाँ तो फिर कितने मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा मिथाइल, कौन से नंबर पर अटैच है, 2-2-3-3, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2-2-3-3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर है, क्लियर है, डन। तो चलो अब मुझे इसी तरह से एक कंपाउंड बनाकर दिखाइए आप लोग, और वो कंपाउंड रहेगा 2-3-dimethyl-butane, चलो बनाओ 2-3-dimethyl-butane बनाओ इस कंपाउंड से, इस रिएक्शन से 2-3-dimethyl-butane बनाओ, कंपाउंड का नाम लिख लो, क्या बनाना है, वो क्या बनाना है बोला मैंने, 2-3-dimethyl-butane बनाना है, 2-3-dimethyl-butane बनाना है, तो भाई देखिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, जो कंपाउंड आप लोग को बताना है ना, पहले उसका स्ट्रक्चर निकालो, रफ में निकाल के देखो स्ट्रक्चर, 2-3-dimethyl-butane का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, हाँ। अब अकॉर्डिंग टू जनरल रिएक्शन आप लोगों का कंपाउंड, ये अल्केन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू जनरल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, आर आर, अबे जनरल स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, क्या है आर आर, मतलब दोनों आर है, मतलब दोनों सेम है, तो उसमें देखिए दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए वो एग्जैक्टली, मतलब आपको आर की वैल्यू ध्यान में आ जाएंगे, क्या होंगे आर की वैल्यू, CH3 CH CH3, मतलब कौन सा ग्रुप, आइसो प्रोपाइल, बस खत्म, आर की वैल्यू मिल गई, रिएक्शन लिखो फटाक से, आगे बढ़ो, अबे तुम वही अभी भी यही रिएक्शन लिखने में अटके पड़े हो, मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया वो पता नहीं, यहाँ छापने का नहीं है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छापने का नहीं होता है, समझने वाला होता है, क्या है
क्या लगता है तुम लोग को, ये जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ये एग्जाम में आएगा? अबे पागल हो अगर तुम ऐसा सोचोगे तो। मैंने क्या बोला, हजारों रिएक्शन होते भाई, कोई भी रिएक्शन डाल दूंगा मैं। अभी भी वही है। और क्या एग्जाम्पल दिया मैंने याद है क्या? 2,3-dimethyl का प्रोपेन बनोंदा को 2,3-dimethyl ब्यूटेन फॉर प्रोपेन। पागल लोग हो यार, पागल लोग। लिटरली अभी भी तुम लोग की आदत नहीं गई छापने की, बस छापने के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड हो। मैंने बोला है ना ये रटने वाला नहीं है, ये चीज समझने वाली है। जो रटनी है चीज वो तो रटे नहीं। हाँ, जो बोल रहा था मैं रटो रटो रटो, वो रट ही नहीं है। अब जो चीज रटनी नहीं है उसको छाप रहे हो ताकि रट सको, कोई मतलब है? तो क्या बना रिएक्शन बताओ, कैसे बना 2,3-dimethyl butane? अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया हाउ विल यू प्रिपेयर 2,3-dimethyl butane, ठीक है, बाय वुड सिंथेसिस रिएक्शन, तो एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, आंसर दो भाई। वैसे लेंगे 2 times अब आ रहे हैं भैया, रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। रिएक्शन लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ, व्हेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर इट गिव्स 2,3-dimethyl butane। ये आंसर सही है, समझे ना? देन एक्सप्लेनेशन भी लिखना आना चाहिए ना। रिएक्शन लिखना जरूरी है, बट रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब वर्डिंग लिखना तो आता है ना, या वो भी लिखना पड़ेगा हर बार? कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ? When tertiary butyl chloride reacts with sodium metal in presence of dry ether, it gives 2,2,3,3-tetramethyl butane. इस तरह से सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी रिएक्शन का। अच्छा, ये जनरल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन बताओ। अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज वुड्स सिंथेसिस रिएक्शन या व्हाट इज वुड्स कपलिंग रिएक्शन, तो क्या एक्सप्लेन करोगे आप? When alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, it gives alkanes and sodium halide. लिखा नहीं लिखा चलेगा, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोगों को रिएक्शंस लिखने होते हैं, ठीक है? डन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने दोनों RX सेम ले लिया, बराबर है। एक और रिएक्शन होता है, हालांकि ये रिएक्शन बोर्ड लेवल पर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। एक और रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसमें दोनों RX अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब एक होगा RX 2 times ऑफ Na और एक होगा R-X। अब X की वैल्यू आप सेम ले लो या फिर डिफरेंट ले लो वो मैटर नहीं है, मैटर है R और R-, इन R की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई एथर? क्या लगता है आप लोग को क्या बनेगा? R-R-, बराबर है, क्या बनेगा आप लोग को? R-R-, और प्लस क्या लिखेंगे आप? 2 times ऑफ NaX, अगर दोनों X सेम रहेंगे तो, अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो NaX प्लस NaX, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलरली रिएक्शन होता है इसमें कुछ चेंजेस है। सबसे पहली चेंज होता है कि इसमें सिर्फ R-R- नहीं मिलता है, इसमें और भी कंपाउंड मिलते हैं, इसमें RR भी मिलता है और R-R- भी मिलता है, समझे? मतलब एक अल्केन नहीं मिलेगा, कितने अल्केन मिलेंगे? 3 अल्केन मिलेंगे। पहले केस में 2R एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, दूसरे केस में 2R- एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और तीसरे इसमें ये R और ये R- कनेक्ट होंगे। तो ये वाला जो अल्केन होता है इसको मैं कहूंगा मिक्स अल्केन। कौन सा अल्केन कहूंगा? मिक्स अल्केन, राइट। और ये जो अल्केन रहेंगे इसको मैं कहूंगा सिमेट्रिकल अल्केन। कौन सा अल्केन? सिमेट्रिकल अल्केन, समझ में आ रहा है? मतलब दो टाइप के अल्केन मिलेगा, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, मिक्स अल्केन और सिंपल अल्केन। इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, सिंपल अल्केन। सिंपल अल्केन मतलब दोनों आर की वैल्यू सेम रहेंगी, तब हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल अल्केन। और जब दोनों आर की वैल्यू अलग रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स अल्केन। तो आप लोग को सिंपल अल्केन भी मिलेंगे और मिक्स अल्केन भी मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये तीनों, मतलब दो टाइप के अल्केन बोलो ना, एक सिंपल और एक टाइप मिक्स। तो मिक्स अल्केन और सिंपल अल्केन में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा, मिक्स अल्केन का या सिंपल अल्केन का? सिंपल अल्केन का ज्यादा रहता है, मिक्स अल्केन का कम रहता है, समझ में आ रहा है? तो ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन का नाम भी अलग होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका? वुड्स
फिटिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? जब आपके अल्काइल हैलाइड क्या होंगे, दो अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड होंगे, तब आप लोगों को मिक्स अल्केन और सिंपल अल्केन दोनों भी टाइप के अल्केन मिलेंगे, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा, सिंपल अल्केन रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ है ना? तो भाई देखिए, समझने के लिए कितना आसान है ना, इट्स सो सिंपल है ना। ऐसा लगेगा कि भाई बस ऐसे तो रिएक्शन में रूप है, फटाफट दिन में तो अभी का अभी 20 रिएक्शन बता दूंगा ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं जाने वाली आप लोग को। ठीक है, हो गया हमारा रिएक्शन। चलो अल्कोहल का भी बता देता हूँ फटाक से। ठीक है, तो अल्कोहल का, अल्कोहल का क्या था हमारा, सिंपल है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल बाई रिडक्शन था, राइट, फ्रॉम अल्कोहल बाई रिडक्शन। अब मैं सिर्फ जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, डन। और रिडक्शन हमने किससे क्या से किया था, रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई। जनरल रिएक्शन क्या होगा, आर ओ एच प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई गिव्स यू क्या मिलेगा, आर एच प्लस एच टू। खत्म करो, सो सिंपल है ना। ठीक है, इट्स सो सिंपल, दैट इज नथिंग, राइट। लेट्स से द कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हालांकि बहुत सारे रिएक्शन है, इवन एल्डिहाइड और कीटोंस वाले भी बहुत सारे हैं। एक काम कर लेता हूं, मैं पहले रेड फॉस्फोरस और एचआई वाले सारे रिएक्शन लिख देता हूं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, आर सी एच ओ प्लस एच टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस एचआई। ठीक है, क्या देगा ये, क्या देगा, नथिंग, क्या देगा, आर सी एच थ्री प्लस एच टू ओ। ओके, कितने एचआई हुए सिर्फ वो ध्यान में रखो, कितने एचआई हुए, टोटल एच कितने है, देखिए इसमें कितने एच थे, एक ही एच था, राइट। अभी इधर साइड में एच देखो कितने एच है, पांच। तो अल्टीमेटली कितने एच ऐड किए, टू टाइम्स ऑफ एच टू, बराबर है, डन, हो गया। इज इट सिंपल है या नहीं है? अब कीटोन के बारे में बात करते हैं, कीटोन क्या क्या होगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एच टू, वही हुआ है रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई, क्या होगा, आर सी एच टू R में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दो टाइम्स ऑफ H2 ऐड हो गए, चार H ऐड हो गए। सो सिंपल, दिक्कत है कोई भी? हाँ तो तू लिख ले, फिर समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आर सी ओ ओ एच। ओके, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई, क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सेम चीज मिलेगी, आर सी एस मिल जाएगा, और यहाँ पर दो है तो मतलब टू टाइम्स ऑफ एच टू ओ मिल जाएगा। मतलब टोटल अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने कितने हो गए, यही तीन और ये सात हो गए। ठीक है, तो सात में से तीन गए, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। खत्म, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत तो बिल्कुल नहीं जाना है, ये अभी पढ़ लो आप। ठीक है, रट लो इसको, दिक्कत तो मैं कल प्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों की। ठीक है ना, आप घर में जाकर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद नहीं होंगी, लेकिन घर में जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बस दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गए, अब इसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शन, लिख लो ये पता है ना क्या है, अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और बाकी है अभी तीन चार रिएक्शन हमारे। ठीक है, एल्डिहाइड्स वाले बाकी है, कीटोन्स वाले बाकी है, बाय क्लेमेंसेंस रिडक्शन, बाय वुल्फ-किशन रिडक्शन, और आप लोग का इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का भी रिएक्शन बाकी है, और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला रिएक्शन बाकी है। ठीक है, और तीन रिएक्शन बाकी है। क्या हुआ, सब लोग अंजलि की तरफ क्यों देख रहे हो, सिविल गेट, हाँ तो मैंने देखा वो, उसमें मैंने तो सबकी तरफ देखा ना। पता है रिएक्शन मेरे को, तुम अभी भी पूछ लो, मैं सारी की सारी रिएक्शन बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन मेरे को अभी से याद नहीं, ये मेरे को रिएक्शन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था ना तब से याद है मेरे को, और अभी भी नहीं भूला हूं मैं। मैंने पहले ही कहा था आपको, सिर्फ एक महीने की मेहनत है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन वो एक महीना था पूरे 8 घंटे दिन में बिना हिले डुले, मतलब थोड़ा सा हिल डुल जाता था, बट कम से कम 8 घंटे तो मैं डेली बैठा था, एक महीना डेली, एक दिन भी नहीं छोड़ा था मैंने, तब जाकर मेरा हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपका भी हो सकता है, इसलिए बोला घर में जाके प्रैक्टिस करो, आठ 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 आठ, समझे ना, और कर लो, पक्का कर लो, आज के आज कर लो, सारे आठ 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 कर लोगे ना आप एग्जाम्पल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट।
ठीक है, पूरा पैटर्न ही ध्यान में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग को। सिर्फ देखिए आज रात है, आज रात अगर आपने निकाल दी ठीक है प्रैक्टिस करके, देन आई एम अश्योर यू कि कल आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर आओगे। ठीक है, थोड़ा सा भी डर आप लोग के दिमाग में नहीं रहेगा। अब 8-8 रिएक्शन हर एक के लिए लिखना है, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कम से कम 100 रिएक्शन लिखनी है आप लोग को कम से कम। ठीक है, कम हो सकते हैं बट डजंट मैटर। ठीक है, कर लो आज, हर एक रिएक्शंस लिखो, नाम लिखो, नहीं नाम आ रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। आईयूपीएसी तो लिखना आ ही जाएगा ना, कॉमन नेम नहीं आ रहा छोड़ दो, बट आईयूपीएसी लिखने की कोशिश करो। ठीक है, डन, और ये कर लो आज। ठीक है, रात के 2 बजे या 3 बजे डजंट रियली मैटर, बट कर लो आज। हाँ,